आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल साइबर सिक्की में स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईफोन का बैक कैमरा कैसे रिपेयर करते हैं। आईफोन का बैक कैमरा रिपेयर करने से पहले हमारे ये कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसे रिप्लेस करने के लिए एक दूसरे फ़ोन का दूसरा कैमरा लिया है। तो हम बताते हैं कि आईफोन को पहले कैसे खोलते हैं और अगर दूसरा कैमरा चेंज करना हो तो कैसे इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनर्स की मदद से जो इसकी कुछ क्लिप हैं उसको हटा लेते हैं। इजी से देखिए, ये बैटरी कनेक्टर होता है, इससे हमें इजी वे से हटा लिया, बैटरी को हटा के साइड में रख दिया हमने। इसके बाद ये चार्जिंग कनेक्टर है हमारा, ये वाला चार्जिंग कनेक्टर, इसको भी हम आसानी से हटा लेंगे। चार्जिंग कनेक्टर हट गया और उसके बाद हम इन दोनों को छोटे छोटे कनेक्टर हैं इनको भी हटा लिया हमने। इसको हमने यहाँ से रिमूव किया। इनको हटाकर हमने यहाँ रख दिया, इसको भी हटाया हमने थोड़ा। क्या मैंने दूसरे जीव से रिमूव हो गया, ये इस कनेक्टर को हमने जीव से हटा लिया। इसके बाद करना क्या है, इसकी सिम ट्रे को हम जीव से हटा लेते हैं। ये हमने इसकी सिम ट्रे को रिमूव कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ स्क्रू आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्रू को स्टेप बाय स्टेप हम खोलते जाएंगे। पहले हम ये वाले स्क्रू खोलते हैं क्योंकि ये वाले मदरबोर्ड को पूरी तरह से पकड़ कर रखते हैं। हमने ये वाला अलग हो गया, इसको साइड में रख दिया हमने। अगर आपसे ये नहीं प्रॉपरली उठ रहा तो ट्वीजर की मदद से आप इसको आसानी से रख सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सा स्क्रू कहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि आईफोन में प्रॉब्लम है ये दूसरा स्क्रू दूसरी जगह, जहाँ वो स्क्रू लगा है वहीं स्क्रू लगा, दूसरी जगह वो नहीं लग पाएगा। इसलिए थोड़ा अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में प्रेशर है तो आप आईफोन को किसी एक्सपर्ट की मदद से खोलें, अकेले में ना खोलें। अगर आप भूल गए तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमने ये स्क्रू खोला है, स्टेप बाय स्टेप आप स्क्रू को खोलते जाइए और साइड में अपने रखते जाइए। ये की वाले स्क्रू हमने खोल लिए हैं, बीच स्टेप बाय स्टेप खोलिए। इसके बाद यहाँ दो स्क्रू होते हैं इधर की साइड, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इन दोनों को खोल लीजिए। किसी वजह से ये कस्टमर का है, इन्होंने पहले खोले इसलिए ये थोड़े टूट गए हैं, लेकिन आप अगर आपके पास नया फ्रेश आईफोन है तो आप आईफोन खोलने से पहले इन दो स्क्रू को शुरू खोलें, नहीं तो ये क्लिप टूट जाएंगी और आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद हम कैमरे के कवर यानी कि हम जो फ्लैश लाइट है उसको कवर अप करने के लिए एक ये स्लाइड दी होती है, इस स्लाइड को आसानी से हटा लेते हैं।
क्योंकि इसको हटाने के बाद ही कैमरा आपका रिमूव होगा। इसमें एक बड़ा पेच होता है, एक स्मॉल और एक बिग स्क्रू, तो इनको आसानी से हटा लिया हमने। इसके बाद हमको करना क्या है, ये हमने हटा लिया, एक ये क्लिप होती है, इसी क्लिप को हटा लीजिए। इसके बाद इजी वे से इसको ट्वीजर की मदद से आप हटा लीजिए, थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। हमने हटा लिया, आप हटा लिया। अभी ये एंटीना की वायर है, इसको आप चाहें तो अगर प्रॉब्लम हो रही है, ये वाली एंटीना की वायर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे हटा सकते हैं, नहीं तो आप आसानी से कैमरे को रिमूव कर सकते हैं। कैमरे को रिमूव करने के लिए इन दो स्क्रू को खोलना पड़ेगा, तो हम पहले इन दो स्क्रू को खोल लेते हैं। पहला स्क्रू खोल गया, उसके बाद दूसरा स्क्रू खोल लेते हैं। इजी वे से इसको हटा लेते हैं हम ट्वीजर की हेल्प से। ये ऊपर का कवर हट चुका है, उसके बाद ये क्लिप है, क्लिप को इजी से हटा लीजिए। ये हमारा कैमरा रिमूव हो गया। इस कैमरे को पुराने को साइड में किए, अब एक दूसरा कैमरा हमने जो पुराने आईफोन से निकाला था उसको हम लगा देते हैं। हमारा क्लिप में लग चुका है, इसके बाद इसको कवर अप कर देते हैं। कवर हो गया, इसके फिल्म को ध्यान से लगाइए क्योंकि ये काफी बारीक होते हैं। फर्स्ट स्क्रू हमारा लग गया, दूसरे स्क्रू को इजी वे से थोड़ा टाइम ले लें ताकि ये आपका स्क्रू गिरे नहीं। स्क्रू हमारा लग चुका है, इसको जैसे हमने हटाया था वैसे ही जीवी से हम इसको वापस लगा देंगे। कैमरा आपको थोड़ा गंदा लग रहा है, इसका लेंस तो थोड़ा साफ कर लीजिए। थोड़ा इसको साफ कर लीजिए, देखिए साफ हो गया। इसके बाद इस पीसीबी को हम आसानी से लगा देते हैं जैसे हमने हटाया था। अब हम ट्वीजर की हेल्प लेंगे, पहले हम चार्जिंग कनेक्टर को साइड में करेंगे। ये हमारा चार्जिंग पोर्ट है, साइड में किया हमने। उसके बाद इसको ट्वीजर की मदद से इसको आसानी से उठाया और इसको यहाँ रख दिया। इस क्लिप को साइड में कीजिए, इजी वे से आप स्लोली स्लोली साइड में करते जाइए। अब एक क्लिप आपको दिख रही है नीचे दबी हुई है, इस क्लिप को भी साइड में
हटा लीजिए। अब आपकी कोई क्लिप नीचे नहीं है, ये आपका लग गया। कैमरा इसको अपने सेंटर में प्लेस कर दिया, मदरबोर्ड वाला लग गया। इसके बाद करना क्या है, जो कनेक्टर हमने हटाया था उस कनेक्टर को वापस लगा देते हैं। सबसे पहले हम मदरबोर्ड की कुछ स्क्रू लगा देते हैं।